हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी कंफर्टेबल ड्रेस लेकर आई हूँ। ये हमारे बचे हुए सूट का पीस है, इसमें से हम आज जबला ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रेस को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम सिंगल फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको सेट करते हुए एक बार और फोल्ड करेंगे इसको इस तरीके से। तो अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के लिए हम अपने बच्चे का कोई भी ड्रेस ले सकते हैं, कोई भी टी शर्ट ले लें आप, जो उसके साइज़ की अच्छे से फिट हो, ज़्यादा टाइट ना हो, लूज़ हो। कटिंग करने से पहले हम कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे, यहाँ से जो फालतू कपड़ा है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इस पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर जो टी शर्ट है वहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगा लेना है। ये हमारी स्टेप के लिए हमने छोड़ा है, और जहाँ से हमने निशान लगाया है जो नीचे वाला कपड़ा है वहाँ से मैच करना है हमने। और इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ टी शर्ट को रखते हुए जहाँ से निशान लगाया है वहाँ पर रखना है। और जहाँ से जो गला है, गले के पास से हम इस तरीके से लंबा निशान लगाएंगे एक, इस तरीके से जितना हमारा कपड़ा है उस सारे कपड़े पर ही हम एक लॉन्ग निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारे नीचे घेर का निशान है। और यहाँ से जो हमारी टी शर्ट है यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम निशान लगाएंगे उसको थोड़ी सी गुलाई शेप में देते हुए तिरछा इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इसी तरीके से तिरछा हम ऊपर टी शर्ट का जो नोक है वहाँ से इस तरीके से इनको आपस में इस ट्राइंगल का शेप दे देंगे। और ये हमने इस तरीके से नीचे का घेर का शेप दे दिया है, ऊपर से हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जितनी हमारी टी शर्ट का नाप है। इस तरीके से हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा दे दिया है सिलाई के लिए। और ये हमारा मोड़े का निशान है, यहाँ से हम मोड़े का निशान लगा लेते हैं। और इस तरीके से हमने नाप को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम 5 इंच लेंगे ऊपर नेक के लिए। 5 इंच लेने के बाद इसको मोड़े से तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड, हमने इस तरीके से तिरछा मिला दिया है, अब हम इसकी सारे की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये ड्रेस मैंने 4 साल के गुड़िया के लिए बनाया है। आप अपने छोटे बेबी का ड्रेस भी इसी मेथड से बना सकते हैं। अपने बेबी का इसी तरीके से ऊपर ड्रेस रख कर इस तरीके से ही कट कर लें आप। तो फ्रेंड, हमने कटिंग कर ली है, अब हम मोड़े की सिलाई करेंगे। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करना है इसमें हमने। इस तरीके से हम बारीक बारीक फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों मोड़े की सिलाई कर लें, बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करना है। मोड़े स्टिच करने के बाद आप अब गले की पट्टी लगाएंगे हम इसके ऊपर। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर पट्टी अटैच करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी मैचिंग कपड़ा ले लें। और इस तरह ये हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी है, और लंबाई इसकी हमारे जो गले के हमने नापा था इससे थोड़ा सा हमारा 1.5 इंच हमने बड़ा काटा है इससे। तो इस तरीके से हम इसको नीचे की तरफ रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो ये हमने उल्टी साइड पट्टी को रखकर स्टिच किया था, अब ये हम सीधी साइड ऊपर रखकर इसको इस तरीके से आप फोल्ड कर लें। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसकी शेप में देते हुए इस पर निशान लगा लें, और बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस शेप में। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। सिलाई दोनों साइडों को इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे आप। तो फ्रेंड, हमने इस तरीके से दोनों किनारियों की स्टिचिंग कर ली थी, अब हमने इसको फोल्ड करके इसके ऊपर भी पट्टी लगा रहे हैं। और जिस साइड में कई बार कोना बच जाता है तो इसको आप कट कर लें। तो इस तरीके से हम कट करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और इसी तरीके से हम जो सूट का तो बैक साइड है उसको भी इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो अब हम नीचे वाली किनारे को स्टिच करेंगे जैसे हमने मोड़े की सिलाई की थी, बारीक बारीक बिल्कुल उसी तरीके से हमने स्टिच करनी है। इस तरीके से बारीक बारीक स्टिच करनी है। अगर आप चाहो तो इसमें मैचिंग पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हो, या फिर कोई लाइट वेट लेस भी लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है, सॉरी स्टिच करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगी और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने दोनों साइडों की किनारियों को नीचे की तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी साइड फिटिंग लगाएंगे, दोनों तरफ से साइड फिटिंग लगाएंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने दोनों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम गले के लिए स्टेप बनाएंगे। तो फ्रेंड ये हमने स्टेप का कपड़ा लिया है, इसकी विड्थ के लिए हम 2.5 इंच का नाप लिया है और लंबाई इसकी तकरीबन 50 इंच की है। और इस तरीके से हमने किनारे पर तिरछा काट दिया है। तिरछा काटने के बाद हम ऐसे सिल लेंगे और एक साइड से हम इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से हमने सारा सिल लिया है। सिलाई करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी किसी भी चीज़ से इस तरीके से आप इसको सीधा कर लें। और एक तरफ से हमने जो खुला छोड़ा था उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने नीचे की तरफ से खुला छोड़ा था। अब हम इसको पिन की हेल्प से इसमें डोरी डालेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से डोरी डालेंगे। तो फ्रेंड हमारा झबला कंप्लीट हो गया है। ये गर्मी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है। तो फ्रेंड आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और आप मेरे साथ भी अपनी ड्रेस को शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी बनाई हुई ड्रेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम इसकी कैप्री बनाएंगे। कैप्री बनाने के लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है इस तरीके से। तो फ्रेंड आप अपने बच्चे की कोई भी शॉर्ट कैप्री या फिर पजामी ले सकते हैं। इस तरीके से ऊपर से हम 2 इंच का निशान छोड़ेंगे नेफे के लिए। तो फुल लेंथ हमने 17 इंच की ली है। आप अपने बच्चे की नी के हिसाब से लेंथ ले सकते हैं। अपने बच्चे की कमर से नी तक का नाप ले लें, थोड़ा सा नी से आप 1.5 इंच और नीचे ही रखें और उस हिसाब से आप लंबाई ले लें अपने बच्चे की। तो फ्रेंड हमने मूरी 6 इंच ली थी और यहाँ से हमने निकल को शॉर्ट को जितना हम खींच सकते थे खींच कर इस तरीके से 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम ऊपर कमर से हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। हम 1.5 इंच कम लेंगे झोली से। तो इस तरीके से हम निशान को नीचे से मैच कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड इसकी हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम इनकी दोनों की झोलियों को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम कपड़े को रखते हुए दोनों की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने स्टिचिंग कर लेनी है दोनों की। और स्टिचिंग करने के बाद इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई और लगाएंगे, इससे और मजबूती आ जाएगी। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम इसके नेफे को फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने नेफे को फोल्ड कर लेना है। नेफा फोल्ड करते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारे नेफे की सिलाई है वो आपस में मैच होनी चाहिए। और हम थोड़ा सा 1.5 इंच हम इसको छोड़ देंगे नेफा लास्टिक डालने के लिए। अब हम इसके लास्टिक का नाप लेंगे, जो हमारे तैयार सूट है उसके निशान लगा लेंगे जो तैयार। इस तरीके से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले कर पिन की हेल्प से जो हमने 1.5 इंच जो छोड़ा था वहाँ से हम लास्टिक को डालेंगे। और इस तरीके से हम लास्टिक को डालते हुए दूसरी तरफ से लेकर आएंगे और बाद में दोनों किनारियों की आपस में सिलाई कर देंगे। जो हमने निशान लगाया था उनको आपस में इस तरीके से मिलाते हुए इनकी हम सिलाई कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद इसका जो हमने कपड़ा बीच में थोड़ा सा छोड़ा था इसकी भी हम ऊपर से सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद अब मोरी पर पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से हमने दोनों पट्टियां काट ली हैं और इसको हम अटैच करेंगे। इस तरीके से हम उल्टी साइड रखेंगे इसको और इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा कर सीधी तरफ इसको ऊपर से इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। दोनों को हमने स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड हमारी कैप्री ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी लास्ट सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हुए झोली पर लेकर आएंगे सिलाई को और नीचे की तरफ से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड हमारी ड्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप मेरे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं, प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।
घर पर रहें और सेफ रहें। तो फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।